सो यू आर वे टू द बेंगलुरु। वाइजैक से बेंगलुरु का डिस्टेंस है 1003 किलोमीटर्स। और हमने इवनिंग को 6 बजे से जर्नी स्टार्ट किए हैं वाइजैक से। कुंडली बीच अच्छे से देख के फिर ही हम जर्नी शुरू किए थे और रास्ते पे ही हमने डिनर कर लिए है। ओमी अभी सो रहा है। पीछे का बेड हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है जर्नी में। रास्ता अच्छा है अभी तक और हमें रास्ते में चलते चलते बारिश मिला जिसके कारण हमारा जर्नी थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि हम ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी नहीं चला पा रहे थे बारिश के वजह से। रंजन कॉन्टीन्यूसली 6 घंटे से ड्राइव किए जा रहे हैं। मैंने उनको पूछा था कि प्लीज़ मेरे को भी थोड़ा सा गाड़ी चलाने के लिए दो, पर उन्होंने नहीं दिया। एक्चुअली ड्राइविंग सीट में बैठते हैं तो भूल जाता है, बस उनको ही चलाना है। इट्स ओके क्योंकि उससे ओमी उतना संभालता भी नहीं है, तो ठीक है। मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं पीछे बैठी हूँ, अच्छे से गाना बज रहा है और हम चल रहे हैं। जर्नी स्टिल इज गुड। हेलो, नाउ इट्स कटा बजे 1:10। मैं नहीं सो रही हूँ, पूरा रात में रंजन का कंपनी दे रही हूँ। तो हमें रास्ते पे एक स्टारबक्स मिले तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिए। अंदर नहीं गए थे हम, कार में बैठ के कॉफ़ी पी लिए। अभी आप मतलब 1:30 बजे है और रास्ता पूरा सुनसान है। अच्छा है, 2-3 लेन है और बस हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा जर्नी। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक हम अभी घर पहुँचेंगे। मतलब कम से कम 45 डेज तो हो ही गया है हमको वेस्ट बंगाल में थे, ससुराल में। पूरा वीडियो हमने बनाया है, आप लोग शायद देखे भी होंगे। तो अभी मॉर्निंग हो गया, बारिश अभी भी हो रहा है। सुबह सुबह बारिश का मौसम और कार में मतलब सोए है, बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग इज़ वेरी नाइस। मैं बस सोई हूँ, ओमी तो जग गया है। मैं कभी कभी बस थोड़ा छोटा मोटा नैप ले लेती हूँ, ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं सोती हूँ। फिर रंजन बोलेगा, अरे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, बदमाशी करते, मेरे को सोने नहीं देता एकदम से ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा से। एक रेस्टोरेंट देख, मतलब हम ना गूगल में नहीं देखते हैं, रास्ते पे चलते चलते अगर कोई मतलब रेस्टोरेंट हमें पसंद आ गए तो हम वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं से ही हम लंच ब्रेकफास्ट डिनर ये सब कर लेते हैं। बारिश अभी भी गिर रहा है, मौसम ठंडा है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और इसके ऑपोजिट में ही हमें एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए, टेक द लुक्स, सो ब्यूटीफुल। শুধু সেই কথা বলতে মন চায়, শুধু একসাথে চলতে মন চায়, শুধু সারাদিন দেখতে তোমাকে। আজ মন চায় কাছাকাছি এসে, শুধু তুমি আমি পাশাপাশি বসে, আজ মন চায় বলে হেসে হেসে তোমাকে। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों प्रकार का खाना मिलेगा। चलते भी देखते हैं क्या मिले, फिर हम खाएंगे। मैंने ऑर्डर किया था एक साउथ इंडियन थाली और नॉर्थ इंडियन पूरी सब्जी। हमने सब अच्छे से पेट भर के खाना खा लिए और चाय कॉफ़ी भी पी ली उसके बाद। मुझे बेसिकली कॉफ़ी पसंद है, रंजन को चाय। हम बेंगलोर सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम और 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे घर। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक हम घर जाएंगे, हम बहुत खुश है इसलिए। गाइस, इफ़ आर यू ऑल्सो प्लानिंग टू कमिंग वाइजैक टू बेंगलोर, तो रास्ता अच्छा है, मोटा मोटी ख़राब नहीं है, यू कैन कम। मेरे हिसाब से लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, हर पल को एंजॉय करना चाहिए। अगर अपना व्हीकल हो तो उसको लेके ऐसे ही निकल जाना चाहिए, कोई भी एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके फिर अच्छे से एंजॉय करो, ड्राइव को एंजॉय करो। छोटे छोटे चीज़ भी हमें खुशी देता है, तो उस वो खुशी हमें लेना चाहिए लाइफ से।
फाइनली मुझे कार मिला कुछ टाइम ड्राइव करने के लिए। और रंजन कंटिन्यूसली मतलब कल शाम 6 बजे से लेके आज सुबह 10 बजे तक, आई मीन 14 आवर्स वो कंटिन्यूस ड्राइव किए जा रहा है, एकदम भी सोए नहीं है। ही इज़ लिटिल बिट टायर्ड, सो अभी थोड़ा सा नैप लेगा, तब तक मतलब 1 घंटा मैंने चलाया था। हमें टोटल 18 आवर्स लगा था बैंगलोर पहुँचने के लिए, तो फाइनली वी कम आवर होम, वी आर हैप्पी। एंड लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। बाय बाय।